अब खबर बीगोद से। कस्बे में दिन भर वर्षा का दौर बना रहा। बीगोद में वर्षा से हुसैन कॉलोनी के जाने वाला मार्ग बना रहा तलिया। यह मार्ग मस्जिद एवं हुसैन कॉलोनी को जोड़ रहा है। इस मार्ग पर लोहे के कारखाने वाले नाली नहीं होने से वर्षा का पानी भरे जाने से बड़े परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अपनी समस्या मीडिया के सामने रखी गई है। इस संबंध में पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि चंबल पाइपलाइन डालने के बाद नालियों का काम करेंगे। मूसलाधार वर्षा में तो कारखानों में पानी घुसने का स्थिति हो जाता है। क्या आश्वासन दे रही है हमारों को? कुछ और कुछ भी नहीं दे रही है। आज कल परसों दस दिन की थी हमने। ये कौन से कॉलोनी? ये इसको बोलते हैं हुसैन कॉलोनी बोलते हैं। हुसैन कॉलोनी बोलते हैं। इसमें नालियां भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, नाले वगैरह कुछ भी नहीं है। 5 साल से हम परेशान हो रहे हैं। अच्छा, इसमें तो पानी बढ़ जाता है। नहीं, सरपंच सुन रहा हमारी। कुछ भी मोहम्मद नासिर नाम मेरा। ये कौन सा मोहल्ला है आपका? ये हुसैन कॉलोनी बोलते हैं इसको। अच्छा, इसमें क्या नालियां नहीं है? कुछ भी नहीं है सर। कितना टाइम हो गया इसको? 4-5 साल हो गए। 5 साल से नालियां सरकार ने नहीं बनाई? कुछ भी नहीं। पंचायत की तरफ से कुछ भी नहीं? भी कुछ भी नहीं है। पंचायत ने क्या कहा? कब कुछ आप ये 10-15 दिन आश्वासन देते हैं हमारे। कुछ भी इसमें नालियां बनाने का अभी तक कुछ प्रस्ताव नहीं लिया? कोई भी नहीं है प्रस्ताव। पंचायत